हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक मल्टी कलर में बहुत प्यारा सा न्यू डिज़ाइन लेके आए हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे सीधी साइड से कुछ इस तरह और उल्टी साइड से कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये हमारे लेडीज़ कार्डिगन, बच्चों की स्वेटर, टोपी, सॉक्स, शॉल, जैकेट, बाबा सूट, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे चार फंदों की बुनाई है, चार के मल्टीपल हम इस हाथ मैंने इसमें फंदे रखे हुए हैं और प्लस दो फंदे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आइए, इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ से हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिए और कमेंट करके फ्रेंड जरूर से बताना कि बुनाई आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसमें फोर के मल्टीपल 16 प्लस दो फंदे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो बुनाई हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी। हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स एक सिलाई पूरी सीधी निकाल देनी है, एक सिलाई हम पूरी सीधी बुन देंगे। ये हमारी बुनाई की पहली सिलाई है। ये पूरी सीधी चली जाएगी। उसके बाद हमारी जो दूसरी सिलाई उल्टी आएगी उसमें हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारी एक सिलाई सीधी चली गई पहली, दूसरी सिलाई उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हमारा डिजाइन पड़ेगा। इसमें हमने एक फंदा फ्रेंड्स ऐसे ही निकाल देना है, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, ठीक है। एक फंदा उल्टा बना दिया। अब हमने तीन फंदे लेने हैं फ्रेंड्स, ये तीन फंदों का तीन फंदे ही बनाने हैं। पहले इसको एक उल्टा बनाना है इस तरीके से, फिर इसमें धागा ऐसे लपेटना है, दो और एक तीन, तीन फंदों के हमने तीन फंदे बना दिए हैं। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर वही करेंगे एक दो तीन, तीन फंदा एक का एक बनाया, ऐसी धागा लपेटा और तीन एक और बनाया, तो तीन फंदों के तीन फंदे हो गए। यहाँ पे हमारी दो बुनाई कंप्लीट हो गई है, चार फंदों की हमारी एक बुनाई है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे तीन और तीन करे, फिर एक फंदा हम नॉर्मल उल्टा बनाएंगे बीच में, फिर तीन के एक करेंगे, तीन फंदे को लेंगे एक दो और एक तीन, इसको उल्टे में बुन देंगे, फिर इस तरह धागा लेंगे, फिर एक और उल्टा बना देंगे, तीन फंदों के तीन हो गए। फिर एक और बीच में एक उल्टा बनाना है, फिर उसके बाद एक दो और तीन फंदे, तीन फंदे लेने हैं और तीनों को उल्टा बना देना है, एक कर देना है पहले ऐसे, फिर एक धागा लपेटना है ऊपर और फिर एक उल्टा बना देना है ये, और लास्ट का स्टिच का फंदा हमारा उल्टा ही जाएगा। ये हमारी दूसरी सिलाई उल्टी साइड पूरी हो गई है। अब हमारी तीसरी सिलाई स्टार्ट हो रही है। चार सिलाई का फ्रेंड्स ये हमारी बुनाई है। अब बुनाई हमारी ऐसे ही पड़ेगी पर इसमें जगह शिफ्ट हो जाएगी। तो मैंने मल्टी कलर में बनाया है, वैसे ये एक कलर में भी बन जाता है, तो मैं अब इसमें दूसरा कलर ऐड करूँगी, ठीक है। इसमें मैं वाइट कलर ऐड करूँगी और वाइट कलर से मैं जैसे मैंने फर्स्ट में बनाया था एक सिलाई पूरी सीधी बना दूँगी, एक सिलाई पूरी ये सीधी जाएगी, सारे फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। बुनाई वैसी ही है पर अब जगह शिफ्ट हो जाएगा, उसका दूसरी जगह पे पड़ेगी। ये फंदे हमारे पूरे सीधे बुने जाएंगे। इस तरीके से ये पूरे फंदे हमारे सीधे बना दिए हमने। अब हम उल्टी साइड से फिर इसमें डिजाइन डालेंगे। पहला फंदा निकालेंगे, पहले हमने एक फंदा बुना था फ्रेंड्स, अब हम इसमें दो फंदे, एक एक हमारा स्टिच का हो गया, दो तीन चार, चार फंदे हम निकाल देंगे ऐसे ही नॉर्मल उल्टे बना देंगे। फिर ये इसको हमको एक इधर का लेना है, तो यहाँ पे हम दो तीन फंदे का एक बनाएंगे पहले, फिर एक धागा लपेटेंगे ऐसे, फिर एक और उल्टा बनाएंगे, तो तीन फंदे के फ्रेंड्स हमने तीन फंदे बना दिए हैं। फिर एक बीच में उल्टा बनाएंगे,
फिर वही एक दो तीन, तीन फंदे लेंगे, तीन के तीन फंदे बना देंगे, एक दो तीन, फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर वही एक दो तीन फंदे लेंगे, एक फंदा बन गया, दूसरा फंदा धागा लपेटा, तीसरा फंदा ये बन गया, ठीक है। फिर लास्ट में एक दो तीन फंदे हमारे नॉर्मल उल्टे बन जाएंगे। ये हमारी चार सिलाई कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, और बुनाई इतनी बनकर दिख रही है, ठीक है। ये देखिए, आप इसमें फिर ऊपर और लगा सकते हैं। अब इसमें मैं आपको पिंक कलर लगा के दिखा रही हूँ, तो बुनाई वही है पर मैं आपको कलर लगा के दिखा रही हूँ किस तरह से लगेगा, ठीक है। अब हमने एक सिलाई पूरी पिंक से सीधी बना देनी है, जैसे मैंने वाइट से बनाई थी, ये पूरी सीधी बन जाएगी। तो बहुत इजी है फ्रेंड, दिखने में बहुत सुंदर लगती है। बच्चों के सूट में बनाओ, बच्चों की टोपी में बनाओ, फ्रॉक में बनाओ, बहुत सुंदर लगती है, देखने में बहुत सुंदर और बनाने में बहुत आसान है। तो एक सिलाई हमने पूरी सीधी बना दी है, अब हम उल्टी सिलाई में फिर इसमें डिजाइन डालेंगे। तो उसमें ऐसे ही करना है, पहले फंदा हमने स्लिप करना है, एक फंदा हमने बुनना है। यहाँ पे मैंने एक फंदा बुना था ब्लू में, फिर वाइट में मैंने तीन फंदे बुने थे, एक स्टिच का चार फंदे बुने थे। अब यहाँ पे फिर हम एक फंदा, क्योंकि इसकी जगह फिर चेंज हो रही है, एक फंदा बुनना है, फिर तीन फंदे को हमने ऐसे लेना है, एक दो तीन बनाए, फिर एक नॉर्मल उल्टा बनाएंगे, फिर वही एक दो तीन बनाया, धागा लपेटा और एक और उल्टा बनाया, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर वही तीन फंदे, एक दो तीन फंदे लेंगे, एक एक धागा लपेटेंगे, दो और एक तीन, तीन फंदे के तीन फंदे बन गए हैं, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदे लेंगे, एक दो तीन और एक फंदा बनाएंगे, एक धागा लपेटेंगे और एक फंदा और बुनेंगे उल्टा ही, और स्टिच का फंदा हमारा एक उल्टा जाएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह डिजाइन बन के आ जाता है, ये देखिए कितना सुंदर लगता है। अब इसमें आप ऊपर और दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं, वो वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे पहले एक सिलाई सीधी बनाई थी, उल्टे में फिर डिजाइन डालना है। तो फ्रेंड्स आप इसको बनाइए, और आप इसको बड़ा बनाएंगे, यही चार सिलाई बनाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरह दिखने लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बनाया कितना सुंदर लग रहा है। आप अपने कलर अपने हिसाब से लगाएं, अपने चॉइस से लगाएं, और इस तरह लगने लग जाएगा। तो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना, और कमेंट करके जरूर से बताना फ्रेंड ये बनाई आपको कैसे लगी, ठीक है। थैंक यू।